हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारे पास 9th क्लास का हमारा 9th चैप्टर की 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरुआत करेंगे। इसके अंदर देखें, आपको ए बी सी डी एक चतुर्भुज दी हुई है, सिंपल हमारे पास चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी आपस में एक दूसरे को, ठीक है, काट रहे हैं बिंदु ओ पर, और हमें ओ बी बराबर में ओ डी दिया हुआ है और ए बी बराबर में सी डी दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया है, सिद्ध करना में आ गया। रचना कर ली हमने इसके अंदर, डी एम और बी एन दोनों ए सी पर लंब डाल दिए हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा प्रमाण शुरू करेंगे। हमें लंब रचना की जरूरत क्यों महसूस हुई? अगर आप त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज ए ओ बी लेते तो आपके पास ओ बी बराबर ओ डी है, ए बी बराबर सी डी डी सी है, ठीक है, तो इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का ये कोण बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये कोण तो आपको बराबर दिया नहीं गया, ठीक है। ये कोण तो तब बराबर होते अगर हमारी ये समानांतर भी दी गई होती रेखाएं, ना ये समानांतर दी गई है ना समानांतर चतुर्भुज दी गई है, ठीक है। तो अब उस चीज़ के कारण हम ऐसा तो इसमें कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लंब गिरा दिए। अब लंब गिराए गए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हम इस तरह वाली ये पोर्शन, ठीक है, ये दोनों त्रिभुजें ले लेंगे, त्रिभुज डी एम ओ व त्रिभुज बी एन ओ में। आप इनके अंदर देखें, आपके पास क्या चीज़ है, ओ बी बराबर में ओ डी, ठीक है, आपको दिया हुआ है ये, क्लियर। और अगर आप इनको कोणों को नंबर देते हैं, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 हो गया आपके पास, कोण नंबर 1 बराबर में कोण 2 नंबर 2, ये 90 डिग्री के हो गए, चाहे नाम दे लो इनको। दूसरा आपके पास ये कोण बन सकते हैं, कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4, ठीक है, ये हमारे पास क्यों बराबर हो गए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण और दो कोण और एक भुजा बराबर है, ठीक है। इसके अंदर आप जानते हैं जब दो कोण बराबर हो तो उन दोनों कोणों के बीच की भुजा होनी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दो कोणों के कारण तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा ही होगा, ठीक है ना। उस चीज़ के कारण हमारे पास क्या हो जाती है, ये त्रिभुजें आपकी क्या बन गई, दोनों की दोनों सर्वांगसम बन गई, ठीक है, डी एम ओ सर्वांगसम बी एन ओ हमारे पास, किस नियम से, कोण भुजा कोण नियम से, ठीक है। चाहे आपके पास वो साइड वाली भुजा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, हम इसको ए एस ए भी लिख सकते हैं, अगर आपने ए एस भी लिख लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब त्रिभुजें सर्वांगसम है तो हम सी पी सी डी से कुछ भी बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, बराबर डी एम बराबर में बी एन लिख लेते हैं, ठीक है, इनको बराबर लिख लेंगे। इनको बराबर लिखने पर हमारे पास क्या बनेगा हमारा, ठीक है, कई बार हमने कोई और जरूरत पड़ी महसूस की चीज़ की दिखी गई तो हम उसको भी देख लेंगे बाद में, सी पी सी डी, अभी फिलहाल हम इसको लिख रहे हैं। त्रिभुजें सर्वांगसम है तो इसलिए इनका जो एरिया है, एरिया डी एम ओ बराबर में एरिया बी एन ओ होगा, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है हमारे पास। दूसरा नंबर, अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई, डी एम ओ और बी एन ओ, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, हम इस तरफ की भाग लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसका आधा भाग तो आ गया आपके पास, अब पूरा भाग लेने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ की दोनों त्रिभुजें ले लेंगे। त्रिभुज डी एम ओ नहीं सॉरी डी एम सी व त्रिभुज बी एन ए, ठीक है, इसके अंदर देखें, इसके अंदर आप देखेंगे डी एम बराबर में बी एन, ये दोनों आपको बराबर दिए गए हैं, कैसे कहाँ से बराबर दिए गए हैं, क्योंकि आपको प्रमाणित, आपने ऊपर सिद्ध कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद दूसरी तरफ आप देखें, ये कोण हमारे पास कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6, कोण नंबर 5 बराबर में कोण नंबर 6, ठीक है, क्यों बराबर आ गया आपके, ये आपको क्लियर है कि 90 डिग्री के कोण है हमारे पास ये, ठीक है। और ए डी सी आपके पास यहाँ से देखिए, अगर आप डी सी बराबर में ए बी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, डी सी बराबर में ए बी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया। अब कोण भी देखिए, 90 डिग्री का कोण, उसके सामने की भुजा करण और एक भुजा, मतलब आर एच एस नियम हो गया आपका, ठीक है, इसलिए त्रिभुज डी एम सी
सर्वांगसम त्रिभुज बी एंड ए हो गया। तो जब एरिया हमारे पास डी एम सी बराबर में एरिया बी एंड ए हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप इस एरिया को अगर पहला नंबर नाम दे दें, इसको दूसरा कह दें, तो एक व दो को जोड़ने पर, एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया डी एम ओ प्लस एरिया डी एम सी बराबर में एरिया बी एन ओ प्लस एरिया बी एन ए, ठीक है। यहाँ देखें डी एम ओ हमारा ये वाला एरिया हो गया और डी एम सी हमारा ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो दोनों को जोड़कर क्या बन गया, एरिया डी ओ सी का एरिया बन गया, ठीक है। इसलिए एरिया डी ओ सी बराबर में एरिया बी एन ओ, बी एन ओ आपके पास ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, और बी एन ए ये वाला एरिया हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर आपके पास क्या बन गया, एरिया ए ओ बी, ठीक है, जो आपको पहला पॉइंट प्रूफ करना था, मीन्स आपका पॉइंट एक प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, आगे देखिए आपको दूसरे भाग में क्या कहा है, एरिया ऑफ डी सी बी, डी सी बी बराबर में एरिया ए सी बी, ए सी बी। तो इसके अंदर देखें जो आपके दोनों बराबर आए हैं, इन दोनों के अंदर अगर हम इस भाग को जोड़ दें, ठीक है, तो आपके पास दोनों के दोनों प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यही करेंगे, अब दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ एरिया बी ओ सी जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ एरिया बी ओ सी जोड़ने पर, ठीक है, एरिया बी ओ सी जोड़ने पर क्या बन गया, इस तरफ आपके पास डी ओ सी के साथ अगर आप इस एरिया को भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया हमारे पास पूरी डी सी बी का एरिया बन गया, ठीक है। मतलब एरिया डी सी बी बराबर में एरिया ए सी बी, ठीक है, आपके पास ये प्रूफ हो गया। मीन्स आपका जो सेकंड पॉइंट है वो भी प्रूफ हो जाता है हमारे पास यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है आपको, ये हमारा सेकंड पॉइंट प्रूफ हो गया। आप थर्ड पॉइंट में देखिए आपको क्या कह रहा है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपको डी ए समानांतर सी बी कह रहा है, या यूं कह रहा है कि ए बी सी डी को पूरी को एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे आप, ठीक है। अब उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहां पर ये किया था, दोनों की दोनों सी पी सी डी सर्वांगसम की थी, तो यहीं से हम कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, अगर हम इस ब्लैक पोर्शन को साफ कर दें जो हमारे शेडेड पोर्शन है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपके पास क्या बनेगा, ये वाला कोण और ये कोण, ठीक है, आपके पास नहीं इस कोण में तो बात बनेगी नहीं क्योंकि हमने आधी त्रिभुज को लिया था, यहाँ पर लंब गिराया हुआ था, ठीक है ना, तो पूरा कोण तो जाएगा नहीं हमारे पास, दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम की हुई हैं। अब हमारी ये समानांतर चतुर्भुज कैसे, उस दोनों रेखाओं को हमें समानांतर करना है, इन दोनों रेखाओं को ए डी समानांतर, डी ए समानांतर सी बी, ठीक है। आपका नियम का उल्टा प्रयोग करते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि त्रिभुज डी सी बी और ए सी बी, ठीक है, दोनों समान आधारों बी सी के ऊपर हैं और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए ये दो समानांतर रेखाओं के बीच में होंगी ही होंगी, ठीक है। उल्टा कंसेप्ट यूज़ हो गया हमारे पास कंसेप्ट का, ठीक है ना, उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम इसको प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ को लिखने के लिए कहा है इन्होंने, ठीक है। आगे का प्रमाण देखते हैं हम, यहाँ तक का देखिए, त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज ए सी बी में एरिया डी सी बी बराबर एरिया ए सी बी, ठीक है, क्योंकि प्रमाणित है आपके पास, इसलिए और उभयनिष्ठ आधार आपका, उभयनिष्ठ आधार वो आपके पास क्या है, बी सी, ठीक है, इसलिए हमारे पास, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है आपका, क्या होगा, हम सीधा ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, क्या चीज़ हो जाएगी हमारे पास, डी ए समानांतर सी बी, ठीक है, ये दोनों समानांतर होगी और ये भुजाएं आपकी बराबर हैं, ठीक है,
मतलब उन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, एक प्रकार से कहें दो समानांतर भुजाओं के बीच की जो आपकी तिरछी दूरी है, दूरी नहीं हुई एक्चुअल में, ये हमें यही प्रूफ करना था, डी ए समानांतर सी बी है, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ कर देंगे, डी ए समानांतर सी बी, ठीक है। या आप सीधा ही लिख दें इसमें ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इस बात को आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यह चीज़ ना भी करना चाहें तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों कोणों के बारे में देखेंगे। जब आपने इस त्रिभुजों को सर्वांगसन किया था, इन वाली त्रिभुजों को, ठीक है, वहाँ आप सी पी सी टी से ये किया ना आपने, डी एम सी बराबर, डी एम सी बराबर में बी एन ए, तो यहाँ से कंसेप्ट उठाएं। अगर आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्म को चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे आप इन कोनों के बारे में जिक्र कर देंगे, इस कोण के बारे में, 6 तक आ चुके हैं, इसको 7 नंबर कोण, इसको 8 नंबर कोण कह देंगे, कोण नंबर 7 बराबर में कोण नंबर 8, ठीक है। रीज़न आपका हो जाएगा सी पी सी टी, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब आपके पास, ठीक है, कोण 7 और 8 से आप यहाँ पर क्या वर्णन करेंगे, एक तरीका तो आपके पास ये हो गया, हमने पहले इसको लिख दिया, इसको डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरे में हम क्या करेंगे, इसको समानांतर चतुर्भुज करते हैं, और ये चीज़ तीसरे भाग के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। कोण 7 बराबर में कोण 8, क्योंकि प्रमाणित है आपका, ये ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। परंतु यह है एकांतर कोणों का युग्म है, ठीक है, तो इस चीज के कारण हमारे पास क्या होगा, और ये कोण किसके साथ लग रहे हैं, डीसी और एबी के साथ, डीसी समानांतर एबी, ठीक है, और डीसी बराबर में एबी हमें दिया हुआ है। अब जो दो सम्मुख भुजाओं का जोड़ा, ठीक है, आपस में समानांतर भी हो और बराबर भी हो, तो वो क्या होती है, एक समानांतर चतुर्भुज होती है, इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जब समानांतर चतुर्भुज है आपके पास वो, ठीक है, तो क्या होगा, इसलिए हम इसको डी ए बराबर सी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। क्लियर कंसेप्ट हमारा, आगे देखेंगे हम, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर हमें क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, इसमें कहा है कि हमें एक बिंदु है डी और ई, क्रमशः डी ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार से है, ठीक है। हमारे पास एक त्रिभुज दी गई है ए बी सी, ठीक है, उसकी भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार से दिए गए हैं कि आपके पास एरिया डी बी और सी, मतलब ये वाला एरिया हम कह लें, बराबर है हमारे पास, ठीक है, ई बी सी इस एरिया के बराबर है, और हमें समानांतर सिद्ध करना है डी ई समानांतर बी सी, ठीक है। वही कंसेप्ट आपका जो पीछे हमने यूज़ किया, छठे क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन था, आपने समानांतर से समान पहले दो रेखाओं को समानांतर किया, फिर चतुर्भुज को समानांतर लिख लिया, या दूसरा आप अगर समानांतर लिखकर फिर भुजाओं को समानांतर लिख लिया, हमने उल्टा नियम जो पहले यूज़ किया था वही यहाँ पर यूज़ करना ही करना पड़ेगा हमें। हम देखेंगे जो हमें, जिनके हमें क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं, दिया है तो आपका क्लियर होगा, बिंदु डी से लेकर हमारे पास एरिया ई बी सी बराबर है तक का, और दर्शाइए के अंदर हमारे पास सिद्ध करना में क्या आ गया, डी ई समानांतर बी सी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके प्रमाण की बात करेंगे हम, एरिया डी बी सी बराबर में एरिया ई बी सी, ई आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा अब इसके अंदर, अब इन दोनों के अंदर प्रमाण हम यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर लें, क्योंकि पहले त्रिभुजों का वर्णन भी कर दें कि जिन त्रिभुजों के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज डी बी सी व त्रिभुज ई बी सी में, ठीक है, सिद्ध करना इसके अंदर, आप ख्याल रखेंगे क्या करना है हमें सिद्ध करना है इसके अंदर, डी ई समानांतर बी सी, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है इसके अंदर, और दिया है आपका, बाकी रकम ही थी हमारे पास। अब इस त्रिभुजों के अंदर आपके पास क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं, और उभयनिष्ठ आधार देखिए कौन सा है हमारा इसके अंदर, उभयनिष्ठ आधार वो क्या है हमारा, बी सी, ठीक है। अब क्योंकि नियम है हमारा, ठीक है, हम नियम का वर्णन करेंगे यहाँ पर, पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी आप करेंगे, ठीक है, अगर अपना ये वाला उल्टा नियम ही यूज कर रहे हैं आप, एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाली
क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर समानांतर रेखा लेकर आनी है ना, तो इसलिए आपको इसी ढंग से लिखे हैं हम इसके अंदर, इसलिए हमारे पास डी ई समानांतर बी सी, ठीक है, हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर क्या दे रहा है भाई, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक्स वाई कह रहा है हमारे पास त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समानांतर एक रेखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें, हमें त्रिभुज ए बी सी दी गई है एक, और यहाँ से एक रेखा दी गई है आपको एक्स और वाई, ठीक है, जो बिंदु ए से गुजर रही है हमारे पास बी सी के समानांतर है, और आगे क्या कह रहा है हमें, बी ई यहाँ से एक रेखा खींची गई है आपकी बी ई, जो किसके समानांतर है, ए सी के, ठीक है, और सी एफ मान लेते एक रेखा खींची गई है आपको जो किसके समानांतर है, ए बी के हमारे पास, ठीक है। तो अब उसी इसी तरीके से आपके पास हमें सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ए बी ई, ये वाला एरिया आपके पास ए सी एफ इस एरिया के बराबर है, ठीक है, ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। अब हमारे पास देखें, क्योंकि समानांतर रेखाएं दी गई हैं, ठीक है, और समानांतर रेखाओं के बीच में आपकी चतुर्भुज बन रही है हमारे पास, ठीक है, अब कंसेप्ट का यूज करेंगे हम और क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको क्या दिया गया है प्रमाण इसका, ए सी समानांतर बी ई दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास देखें ये इसके समानांतर दिया हुआ है, और बी सी समानांतर ए ई ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमारे पास ई ए सी बी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्योंकि ये भुजाएं आपकी समानांतर और ये भुजाएं आपस में समानांतर, तो आपकी समानांतर चतुर्भुज ही बनेगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखें, ए बी ठीक है समानांतर एफ सी ये आपको दिया हुआ है, क्योंकि पूरी समानांतर तो मैं आधी भी समानांतर लिख ही सकता हूँ, ठीक है ना, और ए एफ समानांतर बी सी ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ के कारण क्या हुआ हमारे पास, ए एफ सी बी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अब समानांतर चतुर्भुज है दोनों की दोनों, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ई ए सी बी समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये लिखेंगे हम समानांतर चतुर्भुज ई ए सी बी व ए एफ सी बी में, ठीक है, दोनों में आप देखें बी सी आपका उभयनिष्ठ आधार बन रहा है, उभयनिष्ठ आधार आपका क्या बन रहा है, बी सी, और बी सी समानांतर एक्स वाई, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, क्योंकि पूरी रेखा का नाम तो एक्स वाई ही है ना, ठीक है, तो उस चीज के कारण हमारे पास क्या होगा, इन दोनों समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, मतलब ई ए सी बी बराबर में एरिया ए एफ सी बी। यहां से आप देखें ई ए सी बी इस एरिया को मैं इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिख सकता हूँ दोनों के, ठीक है, आपस में वैसे तो बराबर होता है दो समानांतर चतुर्भुजों का एरिया, ठीक है, आप यूँ भी लिख सकते हैं कि विकर्ण उसको दो बराबर भागों में बांटता है, आप इसको किसी भी एक त्रिभुज का डबल भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ दो तरीके बनते हैं, आप ई ए सी बी का एरिया डबल इसका, फिर ए एफ सी बी का एरिया डबल इसका, दो से दो कट जाएगा आपका प्रूफ हो गया। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको दोनों का भाग लिख रहा हूँ, इन दोनों का मीन्स एरिया आपके पास जो हमें प्रूफ करना था उसका उसी रूप में लिखेंगे हम इसको, ए बी ई प्लस एरिया ए बी सी बराबर में एरिया ए बी सी प्लस, क्योंकि आपके पास ए एफ सी बी ये हो गया, उसके अंदर एक पोर्शन तो ये आ गया, दूसरा पोर्शन आपके पास ये हो गया, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है क्या है, उस एरिया का नाम ए सी एफ, एरिया ए बी सी, ए बी सी आपके पास कैंसिल हो गया दोनों में से कट गया, या दोनों में से माइनस कर देते,
तो आपका प्रूफ हो गया ए बी ई का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास ए सी एफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, आपके पास आपका ये प्रूफ हो जाता है कंसेप्ट। ऐसे ही हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, लिखने के अंदर स्टेटमेंट बड़ी ही बढ़ाकर दी हुई है इन्होंने। ठीक है, हमें कह रहा है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं, आपको एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है ए बी सी डी। ठीक है, हम एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हमारे पास जिस जैसे, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आकृति कहा है, देखिए आकृति, एग्जाम में आपको आकृतियाँ मिल भी सकती हैं क्वेश्चनों के साथ, नहीं भी मिल सकती, ठीक है ना, वो हमें खुद अपने आप सर से ध्यान रखना होगा। कई बार यहाँ क्वेश्चनों के अंदर आपको संकेत भी मिलते हैं, जैसे बुक में इसका संकेत लिखा हुआ है, देखिए नौ क्वेश्चन नंबर 9 का, लेकिन आपको एग्जाम में तो ऐसा मिलेगा नहीं, इसलिए वहाँ टेक्निकली आपको खुद सोचना होगा। यानी भुजा ए बी को, ठीक है, भुजा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, इस प्रकार से बढ़ाया गया आपका बिंदु पी तक हम कह लें, ठीक है, कि ए से होकर सी पी के समानांतर, ठीक है, ए से होकर सी पी, ये वाली होगी सी पी के समानांतर एक रेखा खींची गई, बढ़ाई गई, जो सी बी को, जो बढ़ाई गई सी बी को बिंदु के ऊपर काटती है। ठीक है, और ये दोनों आपस में समानांतर हैं, ये बात ख्याल रखेंगे हम यहाँ पर, जो हमें आकृति के अंदर बात कही है मीनिस ने। फिर समानांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर, ठीक है, फिर समानांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर, मतलब इसी के समानांतर एक चतुर्भुज और बनाई गई आपकी, ठीक है, जिसको हमने, ये हमारे पास होगी, ये बनाई गई है। ठीक है, पूरा किया गया, दर्शाइए कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल और पी बी क्यू आर का क्षेत्रफल ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो ये चीज़ कंसेप्ट आपका बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, आपके पास इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, ठीक है, हमें ये देखना है कि हम किन के अंदर इनको जोड़ कर सकते हैं, हमारे पास घटा सकते हैं। ठीक है, वो काम आप इसके अंदर मेन आपको करना होगा। दिया है के अंदर देखिए, पहला नंबर कंसेप्ट आपका इसके अंदर, ठीक है, सारा ही आपके पास जो दिया है वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद सिद्ध करना हमारे पास एरिया त्रिभुज ए बी सी डी बराबर में एरिया त्रिभुज पी वी क्यू आर हो जाएगा। रचना करेंगे हम इसके अंदर, रचना में क्या करेंगे, विकर्ण ए सी व विकर्ण पी क्यू को मिलाया, विकर्ण ए सी व विकर्ण पी क्यू को मिलाया। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब प्रमाण देखते हैं इसके अंदर हम, प्रमाण में हमें क्या करना होगा। ठीक, अब देखिए आपके पास जो त्रिभुजे हैं, त्रिभुज ए सी क्यू व त्रिभुज ए पी क्यू, इन दोनों में आपका उभयनिष्ठ आधार देखिए कौन सा है, उभयनिष्ठ आधार दोनों के अंदर अक्षर कॉमन बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको ए क्यू। अब ए क्यू समानांतर किसके है आपके पास, ठीक है, इसका अक्षर एक, इसका सी सी पी, ये आपको दिया हुआ है बाकायदा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ आधार हो गया, समानांतर रेखाएं होगी, तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होगी, बराबर हो गए। ए सी क्यू का एरिया आपके पास ए पी क्यू के एरिया के बराबर हो गया। ए सी पी उसके अंदर ये वाला भी जुड़ेगा आपके पास। ठीक है, तो मैं, हम क्या करते हैं, इस ए सी क्यू को एरिया ए सी बी प्लस एरिया ए बी क्यू दोनों का जोड़ लिख लिया, बराबर में ए पी क्यू, ये भी इसके अंदर भी ए बी क्यू तो आ ही रहा है आपके पास, एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया बी पी क्यू, ये हो गया। ए बी क्यू से ए बी क्यू आपका कट गया, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद आपके पास बचा क्या, एरिया ए सी बी बराबर में एरिया बी पी क्यू। अब मैं इसका डबल कर देता हूँ, ठीक है, डबल कर, अगर सिंगल एरिया बराबर है तो डबल भी बराबर होगा। ठीक है, और डबल आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ रहेगी, यहाँ ध्यान दें अगर आप, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के अंदर आपके ये एरिया आपस में बराबर आए हैं। ठीक है, अब आपके पास समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर हमारे पास जो ए सी है उसका विकर्ण हो गया। ठीक है, ए सी व बी
पी क्यू, कर्मशय, ठीक है, विकर्ण है, या सिंपल सीधे लिख ले हम विकर्ण है, कर्मशय उनके पूरा वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, कर्मशय ए बी सी डी व पी वी के ओ आर के विकर्ण है, सीधा लिख देते हैं विकर्ण है, ठीक है। और समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाली त्रिभुजों में, त्रिभुज में बांटते हैं, ठीक है, हमारे पास दोनों के दोनों आपस में बांटते हैं, उन्हीं बांटने के कारण अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका जो एरिया डबल, ए सी बी का डबल हो गया आपके पास, एरिया ए बी सी डी बराबर में एरिया पी बी क्यू आर, ठीक है, हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, कंसेप्ट हमारा प्रूव्ड हो जाता है, डैट मीन्स। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के, हमें एक समलंब दी गई है ए बी सी डी, ठीक है, और इन्होंने हमें दिया है ए बी समानांतर है डी सी के, ये आपके पास ए बी सी डी समलंब होगी, ठीक है, ये इसके विकर्ण हो गए हमारे पास, और ये ए बी समानांतर है सी डी के, डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी आपस में कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमें सिद्ध करना है कि एरिया ए ओ डी बराबर में एरिया बी ओ सी, ये हमारे पास हो ही जाएगा क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच में तो है ही आपके पास दोनों की दोनों त्रिभुजें, अगर हम इस वाले भाग को भी जोड़ लेते हैं, ऐसा ही सेम आपने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास बिल्कुल सेम डिटो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसका दिया है कंसेप्ट आपके पास क्या हो गया, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है, विकर्ण ए सी व बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब आगे देखिए इसका सिद्ध करना हमें, क्या सिद्ध करना है हमें, एरिया ए ओ डी बराबर में एरिया बी ओ सी, परमान हमारे पास इसका, हम त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर, इनमें आप देखें सबसे पहले उभयनिष्ठ आधार देखेंगे, उभयनिष्ठ आधार आपके पास क्या है दोनों के अंदर, ए बी है, और ए बी समानांतर, जो ए बी समानांतर है हमारे पास डी सी के, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, अब आपके पास उभयनिष्ठ आधार है और समानांतर है, तो दोनों ही त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हो गया आपके पास, ठीक है, एरिया त्रिभुज ए बी डी बराबर में एरिया त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है। अब इस एरिया ए बी डी को हम दो टुकड़ों में कर लेते हैं, ए बी डी को एरिया ए ओ डी प्लस एरिया ए ओ बी बराबर में ए बी सी को भी हम ऐसे ही कर लेंगे, एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी, ए ओ बी से ए ओ बी कट गया आपके पास, या यूँ मान लीजिए आप दोनों तरफ से इस जो कॉमन एरिया ए ओ बी इसको घटा दें, या तो इसको दो टुकड़ों में जोड़कर लिख लिया आपने, ठीक है, ताकि जो कॉमन था वो कट गया, दूसरा तरीका आप दोनों तरफ से ए ओ बी को घटा सकते हैं, तो आपके पास क्या बचा, एरिया ए ओ डी बराबर में एरिया बी ओ सी, ठीक है, हमारे पास हमारा प्रूव्ड हो गया, क्लियर, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी कंसेप्ट की दिक्कत के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।